नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों के विरोध में जुटे स्थानीय लोगों पर योगेंद्र यादव ने कहा, ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं जिन्हें पुलिस सपोर्ट कर रही है। उनका कहना था कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार उन्हें उपद्रवी और अराजक साबित करने पर तुली है। उन्हें डराने और उकसाने के लिए बीजेपी आरएसएस अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस हम सब के ऊपर मुकदमा दायर कर लुकआउट नोटिस जारी कर रही है, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं है। पुलिस ने हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत की आंसुओं ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि लाल किला कांड किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। आप काले कोट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे अब क्या कह रहे हैं, यूएपीए लगाएंगे। सब पे मुकदमा लगा दिया, इन पे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुकदमे लगाओ। लुकआउट नोटिस दिया, लुकआउट नोटिस किस पे होता है, कोई भगोड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है उसको एयरपोर्ट में रोकने के लिए, उसको देश छोड़ के भागने पे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाता है। तो हम लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस दे रही है पुलिस, कहती है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ भाई, लुकआउट की कोई जरूरत नहीं है, यहां से लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कौन सा लुकआउट करोगे तुम? कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर वीर ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है मेरा देश, है तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में? तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये चार दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों, और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। तमाम नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, समर्थन देने वालों का सबका स्वागत है, जिस भी झंडे से हो, जिस भी उसमें हो, किसान के पीछे कोई खड़ा हो, सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि चार दिशाओं से किसान पे पिछले 72 घंटे में इनमें हमला किया। हमारे साथी भी बीच बीच में थोड़े से मायूस हो गए, हो जाता है कई बार, साथी मायूस भी हो जाते हैं हमारे, लेकिन एक बात बताता हूं, कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है, सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। और मेरे भाई राकेश टिकैत जी, भाई पीछे बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, आपके चार बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के चार बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको चार बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है, हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है। हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को, यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले, कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये लोग किसानों के दुश्मन है, इनके साथ हमें नहीं रहना है। हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम स्वीकार करते। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा आंदोलन इस देश का है जो जिसने जो ना किया उसकी भी जिम्मेवारी कबूल करता है। सिर्फ किसान आंदोलन ने एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हमने जो नहीं किया, लेकिन दरी हमने बिछाई थी उसके ऊपर अगर तांडव हुआ तो दरी बिछाने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और हमने कहा कि 30 जनवरी को शहादत दिवस है, 30 जनवरी को हमें उपवास रखेंगे, संकल्प लेंगे
हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तो देश का कोई आंदोलन नहीं है। किसानों को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें कोई नेता लोग कहे कि जो मैंने ना किया उसकी भी जिम्मेवारी मैं कबूल करता हूँ, लेकिन इस किसान आंदोलन ने ये किया है। उन्होंने जिन रोहतक, कैथल, हिसार, भिवानी और सोनीपत के किसानों को सिंघू बॉर्डर पर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस आंदोलन को सिख बनाम हिंदू बनाकर तोड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अगले 72 घंटे में हम इस आंदोलन को फिर मजबूत करेंगे। सरकार सोच रही है कि तोड़ लेगी हमारे को, तोड़ने में सफल नहीं होगी मेरे भाई। तो आखिर में मैं आप सबसे बस एक दो अपील करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही हो, देश के हर किसान के घर में पहुंच रही होगी, उसको मैं अपील करना चाहता हूं। पिछले 2 महीने देश के सब किसान आए, देखने भी आए, समर्थन करने भी आए, लंगर खाने भी आए, थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए भी ले आए थे, लेकिन आज आपकी जरूरत है। देश के किसान के जिस जिस घर में मेरी आवाज जा रही है, मेरे किसान भाइयों बहनों, आज अपनी फैमिली के एक मेंबर को यहाँ भेजो। आज आंदोलन को जरूरत है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में आपने भेज के योगी और मोदी सरकार के मंसूबे को नाकाम किया है, उस तरह से हर मोर्चे पे भेजो। ये आपने मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपने तो सबने सोच लिया है, आपकी तो ड्यूटी इस मोर्चे पे बनती है। लेकिन जो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, जो और नजदीक वाले हैं, उनको मैं कहूंगा आप इधर मत आओ, आप सिंघू बॉर्डर पे पहुंचो। क्योंकि अब ये सरकार अपनी नीचता पे उतर आई है, अब ये हिंदू सिख का खेल कराने वाली है। ये हिंदू सिख का खेल कराना चाहते हैं, इसलिए करनाल, पानीपत, सोनीपत और उससे जुड़े हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथियों को मैं कहूंगा आप गाजीपुर मत आओ, आप सिंघू बॉर्डर पहुंचो, वहां खड़े हो किसानों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वहां पहुंचो ताकि इस मामले को पंजाब हरियाणा का मामला ना बनाया जा सके, ताकि इसको हिंदू और सिख का मामला ना बनाया जा सके। जहाँ एक सिख भाई खड़ा हो उसके साथ 2 गैर सिख भी खड़े हो, ये कहने के लिए कि ये देश के किसान की लड़ाई है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारे टीकरी बॉर्डर पे हरियाणा के बहुत साथी पहले से बैठे हैं, वहां हरियाणा भी है, पंजाब भी है, शाहजहांपुर मोर्चा जहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहां पे भी मैं कहूंगा भाई, ये भिवानी के लोग, नारौल के लोग, रेवाड़ी के लोग, गुड़गांव के लोग और उसके आसपास पूरे राजस्थान के साथी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, आप सब लोग शाहजहांपुर पहुंचो। अगले 3 दिन के अंदर पिछले 72 घंटे में जो षड्यंत्र हुआ है उसको तोड़ने के लिए अगले 72 घंटे में अब हमें सब कुछ ठीक करना है। धार मुड़ गई है, अब बस स्पीड इसकी बढ़ानी है। गाड़ी तो मुड़ गई है, षड्यंत्र असफल हो गया है और अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो देश के घर, किसान के घर से एक एक साथी इस मोर्चे पे पहुंचेंगे, मोर्चे को मजबूत करेंगे और इस देश को बताएंगे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बदनाम कर सकते हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि हर बड़े युद्ध में जो घमासान मचता है वो अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह से बदल देता है। इस किसान युद्ध में गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो भी चीजों को तब्दील करेगा। उनका कहना था कि यह लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वाटरलू साबित होने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।